पार्टनरशिप में ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, थ्री पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:7:8. दे हैड पार्टनर फॉर द 14 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ रिस्पेक्टिवली. तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, जो बेसिकली प्रॉफिट का जो रेशियो जो होता है ना किसी भी पार्टनर का, जैसे प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, जो उसका जो रेशियो जो होता है बेसिकली, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन टू द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उस पार्टिकुलर बिजनेस के अंदर लगाता है ए, ठीक है, उसके दोनों के मल्टीप्लीकेशन के प्रपोर्शनल होता है ये, ठीक है. तो प्रॉफिट ऑफ ए इज़ टू प्रॉफिट ऑफ बी इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन टू ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन टू ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन टू द बिजनेस, ठीक है. तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही ये डिवाइड होता है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में टू पार्टनर्स नहीं है, थ्री पार्टनर्स हैं. तो थ्री पार्टनर्स में देखो, उन्होंने प्रॉफिट शेयर रेशियो तो दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है, ठीक है. और इन्होंने ड्यूरेशन दिया हुआ है 14 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ रिस्पेक्टिवली. तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रेशियो क्या होगा, ठीक है. आप लोग ट्राई करोगे, ये मैं कराऊँ ये क्वेश्चन, चलो ट्राई कर लो 2-3 मिनट, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है. जल्दी से ट्राई कर लो. नो बेटा, 5:1 नहीं, नहीं बेटा, नहीं बेटा, आंसर हमारा बी जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. बी आ गया क्या, हाँ. तो देखो इन्होंने क्या करा है, मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करना है. तीन पार्टनर्स है, ए इज टू, हाँ बी जाएगा, एग्जैक्टली बी जाएगा, हाँ बी आएगा बेटा आंसर, ठीक है. तो देखो जिसका बी आ गया है वो उन्होंने सही किया है, ठीक है. तो बेटा देखो इसमें क्या करना है, जैसे ए और बी और सी का जो प्रॉफिट शेयर रेशियो जो इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 5:7:8 दिया हुआ है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा. अब देखो इन्होंने क्या दिया है, ए का जो प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है वो क्या होता है, जो इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन टू द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना है बेटा इसका, 14 मंथ है, इस टू बी का इन्वेस्टमेंट कितना माने बताओ, आई बी मान लेता हूँ मैं, इन टू ड्यूरेशन कितना दे दिया, 8 दे दिया, इस टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा बताओ, आई सी इन टू ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ बेटा आप लोग को, एनी इशू विद दैट, नो नो. अब देखो आई ए आई बी आई सी आप मान लो, या उसको एक्स वाई जेड मान लो, जो मर्जी आपको लेना है वो आप कंसिडर कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है. अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो रेशियो का जो पार्ट है ना, जैसे आप हम बात करते हैं फाइव वाला जो पार्ट है, ये इसके रिस्पेक्टिवली है, समझ में आई बात नहीं आई, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ठीक है. तो आप इसको एक काम ये भी कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा इसको समझना हो तो आई ए की जगह इसको हम एक्स मान लेते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने के लिए. यानी ए का इन्वेस्टमेंट हमारा एक्स हो गया, ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, और सी का इन्वेस्टमेंट को हम जेड मान लेते हैं. तो यहाँ से चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर कर ले पाएंगे, ठीक है. तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है. अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है. वो रेशियो कैसे निकलेगा, तो रेशियो निकालने के लिए हमें, है ना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स के टर्म्स के अंदर हमें सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, या जो भी वैल्यू. अब जैसे मान के चलो हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी को कंपैरिजन करें, तो ए और बी का जो रेशियो जो निकल कर आएगा वो कितना निकलेगा, देखो 14:x अपॉन, है ना बेटा, इसका जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकलेगा, 14:x इंटू 8:y. तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बस मुझको ये बताना ये सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है. 14 अपॉन x, 8y इज इक्वल टू 5/7. डू यू एग्री विद मी? तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो, है ना, सीधा जो 8 है हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, 40 हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें y अपॉन x, या y अपॉन x की वैल्यू निकालना चाहें, तो जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी 49/20x, है ना. ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस आपकी वैल्यू ये निकल के आएगी, y इज इक्वल टू 49 अपॉन x. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ना 14 इंटू ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14 × 7 कितना हो जाएगा हमारा बताओ, 98, और ये 40 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 45 हो जाएगा. फिर y निकालोगे तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. तो आंसर हमारा कितना जाएगा, y मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, 49 अपॉन
20 एक्स निकल के आएगी। तो इसी वे में अगर हम लोग को निकालना हो, जेड की वैल्यू निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फॉर द जेड। फिर जेड को हम लोग एक्स के साथ फिर कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अभी तक देखो इसको करने का तरीका क्या है, यानी हम क्या करेंगे, बी मतलब एक्स और जेड को कंपेरिजन करेंगे, तो ए और सी को हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, बताओ 14, यहाँ पे इसको सॉल्व होने के लिए लिख सकते हैं, अभी देखो 14 एक्स, जेड की वैल्यू कितनी है 7z, 14x अपॉन 7z इज इक्वल टू 5/8। डू यू एग्री विद मी भाई, हमने ए और सी को कंपैरिजन किया है, ए और सी को कंपैरिजन किया है, इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है बताओ, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:8, ए और जेड को हमने कंपैरिजन किया, ए और सी को कंपैरिजन किया है, 5:8 इनका रेशियो है, तो इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना है 14x अपॉन 7z, इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ से हम लोग जेड की जो वैल्यू निकालेंगे, जेड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 16/5x, ये आपको कैलकुलेट आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, 14x8 और 5x7, इसको सिंप्लीफाई करोगे या इसको काट भी सकते हो, 7 × 2 = 14, 2 × 8 = 16, 16/5x की वैल्यू निकल के आ जाएगी जेड के टर्म्स में। तो बेटा देखो इसके अंदर क्या हो गया हमारा, देखो एक्स तो हमें पता ही है, वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वाई की वैल्यू निकल के आई है 49/20x, राइट। और जेड की वैल्यू कितनी आई है बताओ, जेड की वैल्यू कितनी आई है 16/5x, समझ में बात नहीं आई। तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करना हो हमें, रेशियो तो निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये एक्चुअली एक्स और वाई के टर्म्स में निकल के आया है, और हमने इन्वेस्टमेंट ए और बी और सी का क्या माना है, एक्स वाई जेड ही तो माना है हमने इन्वेस्टमेंट, बस इसका रेशियो लेना है हमें, बस यही चाहिए था हमें, यानी एक्स की वैल्यू तो हमने मान लिया, जो हमारा ए पार्टनर ए है उसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसने एक्स इन्वेस्ट किया है, बी ने कितना किया इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमारे कितनी वैल्यू निकल के आई है, तो वो तीन पार्टनर थे हमारे ए बी सी, ए ने कितना किया था एक्स किया था, बी ने कितना किया था वाई किया था ना, तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना निकल गया है बताओ 49/20x, और सी ने कितना इन्वेस्ट किया था जेड किया था, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल गई है 16/5x, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कर सकते हैं, देखो डिनोमीटर में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है बताओ, या 5 और 20 क्या एलसीएम कितना आएगा हमारा 20 आएगा, तो इस पूरे को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जाएगा 20x, ये जाएगा 49x, ये जाएगा 4, ये हो जाएगा है ना 16 × 4 = 64x, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, तो यहाँ से एक्स 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 हमारा कट जाएगा, रेशियो हमारा कितना क्या बताओ 20:49:64। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको, दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन ये क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंपली वे में सॉल्व करूं, एक सेकंड थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है, देखो बेटा ऐसे समझना, थ्री पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, मतलब ये 5:7:8, कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा, ठीक है 5:7:8, ठीक है। अब जो ये रेशियो में जो शेयर कर रहे हैं बेसिकली, हमें ये दिया हुआ है जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो का जो फार्मूला जो होता है बेसिकली, वो ये होता है बेटा, देखो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी क्या होता है बेसिकली, है ना, इन्वेस्टमेंट एंड ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड ड्यूरेशन ऑफ ए को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ बी करेंगे तो हमारा वो निकल के आ जाएगा। तो देखो कहने का मतलब ये कि जो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो दिया है ना, तो उसको इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ए का इन्वेस्टमेंट हमने क्या मान लिया बताओ, ए का इन्वेस्टमेंट हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया बताओ एक्स, तो एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन से, तो एक्स का ड्यूरेशन कितना है बेटा 14 है, वैसे बी का हमने इन्वेस्टमेंट वाई मान लिया, क्या मान लिया बताओ वाई मान लिया, तो वाई का ड्यूरेशन कितना है बताओ 8, और सी का इन्वेस्टमेंट ने जेड मान लिया, तो जेड का ड्यूरेशन कितना है बताओ 7, तो ये इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का ये मल्टीपल्स निकल के आ गए,
इसी का जो रेशियो है वो हमारा 5:7:8 से। तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो का मतलब क्या हो गया, x:y:z की वैल्यू निकालनी है, x:y:z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक का तो इन्वेस्टमेंट में हमें एक्स ही पता चल गया, अब वाई की वैल्यू हमें एक्स के टर्म्स में निकालना है और जेड की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकालना है। तो अब देखो वाई और है ना, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को कंपैरिजन करेंगे। क्यों करेंगे ए और बी को कंपैरिजन, क्योंकि तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वाई को हम एक्स के टर्म्स में निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो ऐसे को सॉल्व कर सकते हो, अच्छा ए और बी का अगर हम बात करें है ना, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 5:7 है। तो हमारा क्या जाएगा, 5:7 मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है ए का, एक्स, ड्यूरेशन कितना है 14, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है वाई और ड्यूरेशन कितना है 8। बस बेटा यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, ऐसे वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारा कितना जाएगा 5/7, चलो सिंप्लीफाई कर लो उसको, 14x/8y। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, इसको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कितना जाएगा 40y हो जाएगा, इजिकल टू 14/7 98x हो जाएगा। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, 98x/40, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा बताओ, 2 से कट जाएगा ये, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 49/20x है ना। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 49/20x, ये y की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरीके हम लोग z की बात करेंगे, तो z और है ना, z और x को कंपैरिजन कैसे करेंगे, जब हम ए और सी को कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, ए और सी को कंपैरिजन करेंगे तो जेड की वैल्यू एक्स के टर्म में आ जाएगी। तो रेशियो कितना है हमारा ए और सी का, 5:8 है ना बेटा, तो 5:8, तो ए का इन्वेस्टमेंट एक्स, ड्यूरेशन कितना 14 अपॉन जेड का इन्वेस्ट, सी का इन्वेस्टमेंट जेड इंटू ड्यूरेशन 7, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 7 1 ये 7 2 से कट जाएगा हमारा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5z=16x। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ, 16/5 है, x x के टर्म में आ गई z की वैल्यू, तो z की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 16/5x निकल जाएगी। ये बात समझ में आया आपको या नहीं आया, ये बताओ आप, यहाँ तक समझ में आया? तो बस x की वैल्यू, तो आप देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो a का इन्वेस्टमेंट कितना है x, b का कितना है y, c का कितना है z, तो वैल्यू को रख के हमें बस रेशियो निकालना है। यानी ये तो हमारा x हो जाएगा, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी निकल जा रही है, 49/20x, और z की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 16/5x। हमें क्या करना है, इस पूरे तीनों वैल्यू को क्या करना है बताओ, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, जो डिनोमेटर में जो वैल्यू है 20 और 5, इसका एलसीएम हमारा 20 आ रहा है, तो ये डिनोमेटर की वैल्यू जो है वो हट जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू निकल जाएगी रेशियो के अंदर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, अब 20 करोगे तो 20 को x करेंगे तो 20x हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 49x और ये हो जाएगा ना 64x। तो यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा कितना जाएगा, 49:20:49:64। सो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कोई डाउट पूछो बेटा दोबारा। बेटा नुमान ये क्या टाइम आने का बताओ, 9 से 10 की क्लास होती है, आप लोग आधे घंटे लेट आओगे पढ़ोगे क्या यार, ठीक है। एनी डाउट और किसी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। आपने ये करा है, आपने सी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, बी को क्या मान लिया आपने, 4x हो जाएगा, फिर क्या माना आपने, जो ट्वाइस ऑफ ए है वो क्या है, थ्राइस ऑफ बी, ऐसे क्या आपने, एग्जैक्टली तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए जो है हमारा कितना हो जाएगा, 3, मतलब बी जो है हमारा वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। यही क्या आपने, ये 12x कर दिया आपने, यही क्या है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 6x हो गया। हाँ तो रेशियो हमारा क्या निकल जाएगा, a:b:c निकालना है। तो ए कितना आ गया हमारा, 6x आ गया, बी कितना आ गया हमारा बताओ, 4x आ गया, और सी हमारा x है। हाँ तो
टोटल 11, हमें क्या निकालना है, बी का पार्ट निकालना है, तो 5/11 निकालना है। किसका टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारा, 16500। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 11 1 11, 11 5 55, 2 00, नहीं ये आएगा बेटा 4/11 निकालना है, आंसर हमारा 6000 आ जाएगा। ठीक है, ये एक आपने तरीका निकाल लिया, दूसरे तरीके से भी मिल जाएगा, ऐसे कर लो। बाकी बच्चों आया आप लोग का, नहीं आया बेटा आप लोग का, बेटा इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला इसका बेटा ये है कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना पार्टनर का, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी, यही बस मेन फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू ड्यूरेशन ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू ड्यूरेशन ऑफ बी, बस यही है मेन फार्मूला बेटा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो जो बी का जो कैपिटल है ना, देखो तो ड्यूरेशन तो इन्होंने दिया हुआ ही नहीं है, ड्यूरेशन की तो बात ही नहीं करी, यानी सबके लिए ड्यूरेशन सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, सिंपल, ध्यान रहे बच्चों, अगर जो कैपिटल हम जिस रेशियो में दिया हुआ है उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ड्यूरेशन हमारा सेम है सबके केस में, और ऐसे ही होता है अगर कैपिटल सेम हो और ड्यूरेशन अलग अलग हो, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा, कैपिटल पर डिपेंड नहीं करेगा। राइट, तो इस केस में हमारा ड्यूरेशन सेम है, कैपिटल पर डिपेंड करेगा, तो इसका रेशियो निकालना है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है इन्होंने, बी की जो कैपिटल है सी के कितने 4 times है, तो सी को हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया बताओ, एक्स। ठीक है, तो बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी बताओ, 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस ऑफ ए, मतलब है ना जो ए की जो कैपिटल है उसको हम ट्वाइस करेंगे वो थ्राइस ऑफ बी कैपिटल हो जाएगा, थ्राइस ऑफ बी कैपिटल के बराबर दिया है, और बी की कैपिटल हमने कितना मान लिया बताओ, अगर सी को एक्स माना था तो 4x, तो 3 × b की कैपिटल कितनी थी 4x, यानी यहाँ पे कितना निकल जाएगा 12x, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू यहाँ पे 12x होगा, फिर 2 से आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6x निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 6x निकल के आएगा। तो देखो a इज टू b इज टू c का जो रेशियो निकल के आएगा, a को तो हमने है ना, a का कितना निकल के आया बताओ 6x, b का कितना है 4x और c का x, तो बेटा ये रेशियो निकल गया है हमारा 6:4:1 रेशियो निकल गया है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने बताया था जब टोटल प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी के लिए, जैसे बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर यहाँ पे कितना है बताओ 4 है ना, बी का शेयर कितना है 4 है, तो 4 out of टोटल शेयर, टोटल शेयर कितना है 6+4+1 कितना हो गया 11, 4/11 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16500 में से, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 11 1 11 फिर कितना जाएगा 5, ये 55 हो जाएगा। हाँ बेटा डिवाइड हम ऐसे ही करते हैं, रूल ही होता है इसके अंदर, हमने जब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो ये चीज़ आपको मैंने डिस्कस की थी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, जैसे मान के चलो 2 parts हैं, 3 parts हैं, 4 parts हैं, तो अगर जिस भी बंदे का, जिस पार्टिकुलर पर्सन का हमें अगर शेयर निकालना हो, तो उसका शेयर को हम लोग उसका शेयर रखते हैं न्यूमरेटर साइड में अपॉन टोटल शेयर। यस, जो टोटल प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है उसी रेशियो में डिवाइड होगा ये, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका ये 1500 आ जाएगा, 1500 × 4 कितना जाएगा हमारा बताओ 6000, 6000 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एनीवन हु हैज अ डाउट कैन आस्क, चलो बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, कमल स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9000। ठीक है, कमल ने ₹9000 से बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर 5 months समीर ने ज्वाइन किया विद अ कैपिटल ऑफ 8000। इफ एट द एंड ऑफ द 1 year दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6970, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द समीर इन द प्रॉफिट, हमें समीर का शेयर निकालना है, तो सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, करोगे या मैं कराऊं, करो बेटा करो, वेरी गुड, आई लाइक इट, जो बच्चे कोशिश करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है।
है। वेरी गुड, शाबाश, आई लाइक इट। जल्दी आंसर मुझे चाहिए हो थोड़ा। करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट इज द शेयर ऑफ कमल एंड समीर? कमल एंड समीर का रेशियो कितना होगा? है बेटा? हाँ शेरियर, रेशो कितना है? ठीक है, गुड। किसका नहीं आया वो बताओ बेटा। अब इस रेशो में उन्होंने बांट दिया है, समीर का निकालना है। ठीक है ठीक है, फोर्टी वन है बेटा, 41, 15 नहीं है, 41 है। सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ ये। हेलो, आवाज़ आ रही है? रेशियो जो है ना कमल एंड समीर का, कमल का है 27, इसका 14 है और टोटल 41 है। ठीक है, तो हमें समीर का निकालना होगा पार्ट। कैसे निकालेंगे? 14 अपॉन 41, ठीक है, इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है? 6970 ऐसे निकलेगा। राइट, समझ में आई बात नहीं आई बेटा आप लोगों को? तो मैं बता रहा हूँ वो कैसे आया। चलो छोड़ो, नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ है सॉल्व, है ना, अब उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा अब ये बताओ, कमल, पहले कमल का बता बात कर लेते हैं। कमल एंड हमारा एक समीर, कमल का इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 9000। ठीक है, और ये बताओ कमल ने 9000 तो किया है, अब मुझे ये बताओ कि कितने टाइम के लिए किया है कमल ने? पूरे 12 मंथ के लिए किया है। राइट, समीर ने कितना इन्वेस्ट किया है? 8000। कितने मंथ के लिए? समीर ने ज्वाइन किया 5 मंथ के बाद, यानी है ना 5 मंथ उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, तो एक साल में से 12 मंथ में से 5 मंथ हटा देंगे तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है कितने दिनों के लिए रहा बताओ? 7 मंथ के लिए रहा। ठीक है, अब बेटा इसको आपको सिंप्लीफाई तो करना है, और क्या करना है? देखो, 30 से 30 बेटा कट हो गया यहाँ पर, है, और क्या हो जाएगा तो 4 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, तो 9 3 ज़ा ये 27 आ जाएगा, और 2 7 ज़ा कितना आएगा? 14 आ जाएगा, तो ये रेशियो निकल जाएगा 27:14। हमें निकालना है भाई समीर का क्या मतलब प्रॉफिट था, तो समीर का पार्ट कितना है बताओ? 14, और ये क्या नाम है, कमल का पार्ट कितना है बताओ? 27, और टोटल पार्ट कितना है बताओ? 41। बस इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 6970 से, इसको आप सॉल्व करोगे 41, और इससे तो आंसर हमारा कितना निकल जाएगा डायरेक्ट, है ना, इसको आप डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आपका आंसर ए निकल के आएगा, 2380। ठीक है बेटा, चलो गुड। कोई अमीरो निशा, समझ में आया बेटा आपको? किसको समझ में नहीं आया? रुको बेटा मैं नाम पूछता हूँ, जिसको नहीं आया मैं बताता हूँ। नहीं पूछा करो बेटा, पूछोगे तो ये तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, फहद, समझ में आ रहा बेटा? 11, नोमान, नोमान बेटा समझ में आ रहा है? नूर, सफिया, सकलीन,
शादाब, तस्बिया, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो निकाल लिया सकलेन बोल रहे हो क्या? चलो बेटा, नाइस एफर्ट, गुड, निकाल लिया आपने सर इशू, है ना? सिंपल है गुड के वैसे क्वेश्चन। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, द प्रॉफिट अर्न्ड वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। पी इन्वेस्टेड 40,000, तो भाई सी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 2:3 पार्ट है, ये 2 पार्ट हमारा किसने किया? पी ने किया है, तो 3 पार्ट किया होगा डेफिनेटली क्यू ने। तो 2 पार्ट 40,000 है, तो 1 पार्ट कितना होगा? 20,000। 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 60,000। तो बेटा इसके अंदर तो हम तो पेन का भी यूज़ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? फिर भी चलो, जिनको से नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, बोलो। ठीक है, गुड। और बेटा बताओ, तस्बिया समझ में आया? देखो बेटा क्या कहा इन्होंने, बहुत सिंपल है बेटा। देखो पी ना बेटा, इन्होंने खुद ही क्वेश्चन में दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इन्होंने कहा बेटा पी बाई क्यू, है ना? पी बाई क्यू का इन्होंने रेशियो कितना दे दिया बताओ? 2/3 दिया बेटा। कितना दिया है? 2/3, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, पी का जो इन्वेस्टमेंट, ये जो रेशियो जो है ना बेटा 2/3, पी का क्या है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है इन्होंने। किसका दिया है? इन्वेस्टमेंट का। तो इन्होंने बेटा टाइम की बात नहीं करी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, आपको मैं समझा रहा हूँ अभी। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ बी, यही तो होता है बेटा। तो अभी देखो इन्होंने टाइम की बात ही नहीं करी, तो हम टाइम लेंगे ही नहीं। तो जो प्रॉफिट ऑफ ए जो है हमारा और प्रॉफिट ऑफ बी जो है हमारा, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से ही डिवाइड होगा। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2:3 में किया है, तो बताओ प्रॉफिट मतलब जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो किया है बेसिकली, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:3 इन्होंने दे दिया, ठीक है? आप बताओ इन्वेस्टमेंट कितना है क्यू के द्वारा, तो भाई दोनों रेशियो तो सेम ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ 2:3 जो है, हाँ कंडीशनल बता रहा हूँ, ये कब शेयर सेम होगा? जब ड्यूरेशन सेम होगा तब। अगर ड्यूरेशन सेम नहीं होगा तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम नहीं होगा। हाँ जब टाइम, हाँ हाँ इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हम उसको सेम ही मानेंगे। गुड, वेरी गुड, ठीक है? नहीं दिया तो उसका मतलब सेम ही मानेंगे, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो जब भी टाइम नहीं दे रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन्वेस्टमेंट रेशियो दोनों सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है। ये जो उन्होंने 2:3 दिया, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो यही इसका इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट बाय पी अपॉन इन्वेस्टमेंट बाय क्यू, बस। तो 2/3 इन्वेस्टमेंट बाय पी कितना है बेटा? 40,000 है ना, और इन्वेस्टमेंट बाय क्यू निकालना है इसको। बस क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। तो 2IQ प्लस 2 इंटू इन्वेस्टमेंट बाय क्यू इज इक्वल टू 3 × 2 = 4। कितना हो जाएगा बेटा ये आपका? 4,20,000 हो जाएगा, ठीक है? फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे 1,20,000 को, तो कितना जाएगा तो आंसर 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और किसी को कुछ पूछना है? अमीनू निशा, चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आया बेटा किसी का? बड़ा ये क्वेश्चन है कि 4 times ऑफ पीस कैपिटल, पी एक पर्सन है जिसने अपना कुछ मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा बिजनेस में,
उसके कैपिटल को 4 टाइम्स उन्हें मल्टीप्लाई कर, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 4 टाइम्स ने मल्टीप्लाई किया है, तो वो 6 टाइम्स ऑफ क्यूज कैपिटल के बराबर होगा, और अगर उसको 10 टाइम्स आर कैपिटल करके करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा, ये कायल। तो इन्होंने बोला देन टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 4650 का हुआ है, तो आपको बताना है आर को, आर का कितना शेयर होगा। कौन बोल रहा है? वेरी गुड इकरा, 900 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। रेशो कितना है बेटा पी क्यू आर का? कैसे निकाल? चलो वैसे भी कर सकते हो, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट के थ्रू करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हमेशा क्वेश्चन ऐसे मत करना, गड़बड़ हो सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो करेक्ट आ गया, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले रेशियो फाइंड आउट करो कि इनके तीनों के बीच में रेशियो क्या आ रहा है, उस हिसाब से बेटा आप कैलकुलेट करो, तो गलत नहीं होगा बेटा। इस केस में तो बेटा आपका आंसर सही निकला है। कोई नहीं बेटा, अभी कराएंगे क्वेश्चन कराएंगे। कराओ बेटा शहरयार सकलिन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, इतना बेटा सोचना नहीं है आप लोग को। तो 3% है यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, तीन लोग हैं, एक पी के है, एक क्यू है और एक आर है। बोलो पी के कैपिटल, पी के कैपिटल को क्या मानूँ बताओ, एक्स मानो, स्मॉल पी मानो, चलो स्मॉल पी मान लेता हूँ, ठीक है। क्यू के कैपिटल को मैंने स्मॉल क्यू मान लिया, और R के कैपिटल को मैंने स्मॉल R मान लिया। ये पर्सन है, पी क्यू आर जो है ना, ये पर्सन है, और इनके इन्वेस्टमेंट को हमने कितना माना, स्मॉल P, पी के इन्वेस्टमेंट को स्मॉल P, क्यू के इन्वेस्टमेंट को स्मॉल Q, R के इन्वेस्टमेंट को स्मॉल R। बट इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या दिया है, 4 टाइम्स पी कैपिटल, तो 4 टाइम्स पी कैपिटल क्या है बेटा, 4 इंटू स्मॉल P, है ना, वो जो है किसके बराबर है, 6 टाइम क्यूज कैपिटल, क्यू की कैपिटल कितनी है स्मॉल क्यू, और 10 टाइम्स है ना आर की कैपिटल, तो आर की कैपिटल कितनी हो जाएगी बताओ, स्मॉल आर। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया बेटा या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था ना, एक्स की वैल्यू वाई में निकाला, वाई की वैल्यू एक्स में निकाला, और जेड की वैल्यू भी एक्स में निकाला ताकि हम लोग रेशियो निकाल पाएँ, तो आप क्या करेंगे बताओ, हम पी के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि पी की इन्वेस्टमेंट पी है, इधर क्यू की वैल्यू हमें क्या किसके टर्म्स में निकालना है, पी के टर्म्स में निकालेंगे, और आर की वैल्यू भी पी के टर्म्स में निकालेंगे, क्यों, ताकि पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा और इनका कैपिटल का रेशियो निकल के आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आएगा, वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इज दैट ओके। तो अब देखो पी एंड क्यू को पहले कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर 4p इज इक्वल टू 6q, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा बताओ, क्यू इज इक्वल टू 4/6, पी लिख सकता हूँ क्या, दैट इज 2/3 पी। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 2/3 पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आर और पी का रिलेशन निकालेंगे, 4p इज इक्वल टू 10r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 4p अपॉन 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5p निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2/5p, पी का इन्वेस्टमेंट पी है, क्यू का इन्वेस्टमेंट क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2/3p, आर, हाँ आर का इन्वेस्टमेंट आर है, आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 2/5p। अब इसको बेटा, अब इसको या तो सिंप्लीफाई, पी से पी कट दो, काट दो, तो आएगा 1:2, 2:3, 2:5, और 3 और 5 का मल्टी क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 15। इस पूरे को हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो कितना निकल जाएगा, 15 एज इट इज़
15:2, तो ये 3 × 5, 5 × 2, 10 हो जाएगा यहाँ पर 2/5, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 2 कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो कितना निकल के आएगा बताओ, 5:10:6। इतना समझ में आया या दोबारा रिपीट करूँ इसको? देखो मैं दोबारा ये स्टेप है ना, मेरे को लगता है बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ। ये समझ में आया बेटा आप लोग को? ये तो इसका मतलब पी का इन्वेस्टमेंट पी था, क्यू का इन्वेस्टमेंट क्यू था, क्यू की वैल्यू कितनी आई 2/3 पी, आर का इन्वेस्टमेंट स्मॉल आर था, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई 2/5 पी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई तो करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बताओ, पी से काट देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये सारे पी कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, 1:2, 2/3:2, 2/5। अब इसको हम लोग है ना सिंप्लीफाई करना है, इंटीजर वैल्यू में लेकर के आना है, तो इसको जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो 3 और 5, उसका एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15 आएगा एलसीएम, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा ही नहीं, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर 2/5 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6, तो ये रेशो आ गया हमारा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर का पार्ट कितना है, तो आर का पार्ट कितना है बेटा इसमें बताओ, 6 पार्ट है ना, तो आर का पार्ट कितना लेगा, 6/टोटल, टोटल पार्ट कितना है 15 + 10 = 25 + 6 = 31 इंटू टोटल प्रॉफिट जो हमको डिवाइड करना है 4650। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 31 × 1 = 31 और ये 15 और 5 तो 31 × 5 = 155 और ये 0 है ना 150 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 150 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 900 आएगा, सो करेक्ट आंसर हमारा डी जाएगा 900। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तस्बिया, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो जहाँ पे चारा दिया जाता है उसको पेस्चर कहते हैं, राइट। तो ए बी सी है ना, मतलब 3 ओनर्स हैं बेसिकली, उन्होंने एक जो पेस्चर को रेंट पे लिया, ए ने 10 ऑक्सन को यानी 10 बैल को 7 मंथ के लिए वहाँ पे रखा, बी ने 12 ऑक्सन को 5 मंथ के लिए रखा, सी ने 15 बैल को 3 मंथ के लिए रखा ग्रेजिंग करने के लिए। अब उनको जो रेंट है 175 है, तो आप बताओ सी को कितना पे करना है, तो हम ये देख सकते हैं भाई किसने कितने ऑक्शन को कितने टाइम के लिए रखा, तो बस इसका आपको रेशियो निकालना है सिंपली A:B:C। ठीक है, तो ये हमारा कितना जाएगा बताओ, 10 × 7, बी का कितना हो जाएगा बताओ 12 × 5, सी का कितना हो जाएगा बताओ 15 × 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो कितना हो जाएगा हमारा 14:12:9, ये रेशियो निकल कर आ गया। तो हमें सी का पार्ट निकालना है, तो सी का पार्ट कितना है बताओ, 9 out of total part, टोटल पार्ट करेंगे तो कितना जाएगा 14 + 12 = 26, 26 + 9 कितना हो जाएगा 35 × 175। इसको सॉल्व करेंगे, 35 को 175 से डिवाइड करेंगे तो 35 5 से कर लो, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15। ठीक है, और हमारा कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 5 5 ये हो जाएगा, फिर 7 5 डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, फिर 9 5 कितना आ जाएगा आंसर सीधा 45 45 था करेक्ट आंसर इन दिस केस। समझ में आया बेटा आप लोग को या नहीं बेटा, सब बोलो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके बेसिक्स टेस्ट होंगे बेसिकली। निकाल लिया आपने बेटा, कौन बोल रहा है, इकरा
गुड इग्नोर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी। शेयर यार आपका नहीं निकल रहा, शेयर यार बड़ा इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में दम क्या है, आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये तो यार रेशियो वाला है, रेशियो में डिस्कस भी किया था मैंने, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में क्या दम है बताओ, यहाँ पर ए इज टू सी का रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, कितना दिया हुआ है बताओ, 2:1 बोलो, और ए इज टू बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2। भाई कंबाइंड ही तो करना है हमें इसको, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो में बताया मैंने भाई। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, ए आ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन ए आ रहा है, तो ए को कॉमन करेंगे दोनों को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम बताओ, 6 आएगा ना, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3, तो ये जाएगा 6:3 आ जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, तभी तो 6 आएगा। ए की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी बताओ, 6:4, देखो ए की वैल्यू दोनों में सेम हो गई। अब इसको मर्ज कर सकते हैं हम, आप लिख लो ए इज टू बी इज टू सी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 6, बी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ यहाँ पर, 4, सी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 3। लो बेटा रेशो आ गया, अब डिवाइड तो करना है हमें, बी को कितना मिला है, 4 पार्ट मिला है, तो 4 आउट ऑफ टोटल पार्ट कितना हो गया, 13:15730। बस को डिवाइड ही तो करना है, सॉल्व भी तो करना है बेटा, आपका आंसर तैयार है क्या इस क्वेश्चन के अंदर, दम भी नहीं है बेटा, ठीक है, 13 से काट दो इसको, डिविजिबल है ये, 13 1 13 2 जाएगा, 13 2 26, फिर 1 आएगा, 121:00, अब 121 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 484 00, 484 00 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। दम नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में, अरे पूछो, भाई यार कोई पूछता नहीं यार, मतलब कोई यार, आमिरुन निशा आया बेटा, मुझे ये सबसे पूछना पड़ता है 1 by 1। फहद, सफिया, तजविया, सिमरन, सिमरन आप कुछ भी नहीं बोलते बेटा, आप चुपचाप बैठे रहते हो, मोनिका, मोनिका बेटा अभी आपको आया नहीं होगा, मैं आपका दोबारा ये सेशन लूँगा, ठीक है ना, ये तो मैं बहुत आगे से आपको पढ़ा रहा हूँ, दोबारा ये सेशन लूँगा तो चीज़ और क्लियर होंगी, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आ गया बेसिक्स वगैरह और हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए एंड बी हैज स्टार्टेड द बिजनेस पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 20,000 and 15,000 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 6 मंथ सी जॉइन विथ 20,000, व्हाट विल बी बीज शेयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000 एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत जल्दी करके बताओ, कौन जल्दी करके बताएगा, शेरियार, सकलेन क्या कर रहे हो बेटा, जल्दी करो, 2 साल का टाइम दिया है इन्होंने, 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ, भाई ए बी सी का ही तो रेशियो निकालना है हमें बेटा, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000, कितने टाइम के लिए, पूरे
दो साल के लिए यानी 24 पार्ट। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 15,000। कितने टाइम के लिए? पूरे 24 मंथ के लिए। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। कितने टाइम के लिए? 18 मंथ के लिए। क्यों बेटा 19 मंथ क्यों? दो किसका है? 75 सलेन आपका? यस करेक्ट आंसर 75। इतना लेट कर रहे हो यार शहर यार। हाँ तो देखो 3-0 से 3-0 कैंसिल आउट हो गए हमारे। सॉल्व करेंगे 24 देखो 6 ये हमारा किससे जाएगा? देखो 6 4 जा 24 6 4 जा 24 3 8 जा नहीं 6 3 जा 18 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 5 ठीक है ना। और सिंपलीफाई करेंगे तो 5 3 4 तो रेशियो कितना आएगा? 4:3:3 तो ये रेशियो निकल के आ गया हमारा। अब इसको रेशियो में डाल देंगे। हमें किसका? बी का पार्ट निकालना है ना। बी का ही निकालना है ना शेयर। तो बी को 3 पार्ट्स मिले। 3 आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10 × 25,000 रुपीज़। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा